नमस्कार ऑडियो नेपालमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। अधिवक्ता त तीसो परीक्षाको लागि नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित नजिरहरु मध्ये देखाएका नजिरहरु निर्धारण गरिएको छ। मिसेल अध्ययन र अभ्यासमा मुद्दाको सन्दर्भ र व्याख्यामा मसौदा गर्न र सिधै प्रश्न पनि सोध्न सकिनेछ। भाग एक, संवैधानिक प्रशासनिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून। संवैधानिक कानून सम्बन्धी नजिरहरू। एक, निवेदक नेत्रबन्धु पौडेल विरुद्ध गोविन्द केसी समेत, मुद्दा अदालतको अपहेलना। नेपाल कानून पत्रिका 2078 अङ्क 2/3 पृष्ठ 203 निर्णय नम्बर 10639 बृहत्पूर्ण इजलास 7 न्यायाधीश बेन्च। निवेदक अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेत विरुद्ध अध्यक्ष न्याय परिषद सचिवालय कुपण्डो ललितपुर समेत, मुद्दा परमादेश। नेपाल कानून पत्रिका 2075 अङ्क 4 पृष्ठ 619 निर्णय नम्बर 9985 बृहत्पूर्ण इजलास 5 न्यायाधीश बेन्च। निवेदक उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त केन्द्रीय सचिव अधिवक्ता रामचन्द्र सिंह खडा समेत, विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँ समेत, मुद्दा उत्प्रेषण। नेपाल कानून पत्रिका 2076 अङ्क 2 पृष्ठ 367 निर्णय नम्बर 10204 संयुक्त इजलास 2 न्यायाधीश बेन्च। प्रशासनिक कानून सम्बन्धी नजिरहरू। एक, निवेदक प्रेमराज भट्ट विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ समेत, मुद्दा उत्प्रेषण। नेपाल कानून पत्रिका 2076 अङ्क 2 पृष्ठ 259 निर्णय नम्बर 10191 संयुक्त इजलास 2 न्यायाधीश बेन्च। दुई, निवेदक इन्द्रदेवी यादव विरुद्ध निजामती किताबखाना पुलचोक ललितपुर समेत, मुद्दा उत्प्रेषण परमादेश समेत। नेपाल कानून पत्रिका 2075 अङ्क 7 पृष्ठ 1235 निर्णय नम्बर 10042 पूर्ण इजलास 3 न्यायाधीश बेन्च। अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी नजिर। एक, पुनरावेदक क्यानाडा स्थायी घर भई हाल गैर पर्यटकीय कामदार भिसा वर्किङ भिसा लिए स्प्राउट टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेडमा कार्यरत रोबर्ट यान पेनर विरुद्ध अत्यागमन विभाग कालिका स्थान काठमाडौँ समेत, मुद्दा उत्प्रेषण। नेपाल कानून पत्रिका 2075 अङ्क 9 पृष्ठ 1681 निर्णय नम्बर 10091 संयुक्त इजलास 2 न्यायाधीश बेन्च। भाग 2, फौजदारी देवानी तथा वाणिज्य कानून। फौजदारी कानून सम्बन्धी नजिरहरू। एक, निवेदक नवराज थापा विरुद्ध विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल काठमाडौँ समेत, मुद्दा उत्प्रेषण। नेपाल कानून पत्रिका 2076 अङ्क 7 पृष्ठ 1483 निर्णय नम्बर 10313 संयुक्त इजलास 2 न्यायाधीश बेन्च। दुई, पुनरावेदकवादी सुन्देश्वर मुखियाको जारीले नेपाल सरकार विरुद्ध विपक्षी प्रतिवादी रामलाल मुखिया समेत, मुद्दा कर्तव्य जान। नेपाल कानून पत्रिका 2076 अङ्क 9 पृष्ठ 1901 निर्णय नम्बर 10352 संयुक्त इजलास 2 न्यायाधीश बेन्च। पुनरावेदकवादी घकुमारीको जारीले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी सागर भट्ट समेत, मुद्दा जबरजस्ती करडी। नेपाल कानून पत्रिका 2076 अङ्क 12 पृष्ठ 2559 निर्णय नम्बर 10408 संयुक्त इजलास 2 न्यायाधीश बेन्च। देवानी कानून सम्बन्धी नजिरहरू। एक,
पुनरावर्तक प्रतिवादी शिवप्रसाद शर्मा कुवर विरुद्ध विपक्षीवादी बसंत कुमार राणा मुद्दा खिचोला मिटाई हक कायम गरी पाऊँ नेपाल कानून पत्रिका 2076 अंक 10 पृष्ठ 2025 निर नंबर 10365 पूरा इजलास 3 न्यायाधीश बेन्च 2 पुनरावर्तक प्रतिवादी श्याम बिहारी कुर्मी विरुद्ध विपक्षीवादी शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा मुद्दा नापी दर्ता दाखिल खारिज दर्ता बदर गरी हक कायम गरी दाखिल खारिज दर्ता गरी चलन समेत चलाइपाऊ नेपाल कानून पत्रिका 2076 अंक 4 पृष्ठ 704 निर्णय नंबर 10234 संयुक्त इजलास 2 न्यायाधीश बेन्च 3 पुनरावेदकवादी तुलारत्न भट्टाचार्य विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादी तारा श्रेष्ठ पात्रवंश मुद्दा करार बमोजिम दायित्व पूरा गराइपाऊ नेपाल कानून पत्रिका 2077 अंक 8 पृष्ठ 1493 निर्णय नंबर 10548 बृहत्पूर्ण इजलास 7 न्यायाधीश बेन्च वाणिज्य कानून सम्बन्धी नजिरहरू 1 निवेदक यक्ष ध्वज कार्की विरुद्ध विपक्षी उच्च अदालत पार्टन समेत मुद्दा उत्प्रेषण नेपाल कानून पत्रिका 2076 अंक 10 पृष्ठ 2074 निर्णय नंबर 10369 संयुक्त इजलास 2 न्यायाधीश बेन्च 2 निवेदक माधव कुमार कार्की विरुद्ध विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटन मुद्दा उत्प्रेषण नेपाल कानून पत्रिका 2077 अंक 3 पृष्ठ 547 निर्णय नंबर 10461 संयुक्त इजलास 2 न्यायाधीश बेन्च भाग 3 प्रमाण कानून र कार्यविधि कानून प्रमाण कानून सम्बन्धी नजिरहरू 1 निवेदक सुनिल कुमार अधिकारी विरुद्ध विपक्षी भूमि सुधार कार्यालय काठमाडौँ समेत मुद्दा उत्प्रेषण परमादेश नेपाल कानून पत्रिका 2076 अङ्क 4 पृष्ठ 874 निर्णय नम्बर 10254 संयुक्त इजलास 2 न्यायाधीश बेन्च 2 पुनरावेदक प्रतिवादी बेरबहादुर मगर विरुद्ध विपक्षीवादी परिवर्तित नाम बालाजी गहको जाहेरीले नेपाल सरकार मुद्दा मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नेपाल कानून पत्रिका 2076 अङ्क 2 पृष्ठ 251 निर्णय नम्बर 10190 संयुक्त इजलास 2 न्यायाधीश बेन्च कार्यविधि कानून सम्बन्धी नजिरहरू 1 निवेदक यज्ञप्रसाद सुवेदीको छोरी सान्त्वना सुवेदी समेत विरुद्ध शहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौँ समेत मुद्दा उत्प्रेषण परमादेश नेपाल कानून पत्रिका 2075 अङ्क 9 पृष्ठ 1766 निर्णय नम्बर 10102 संयुक्त इजलास 2 न्यायाधीश बेन्च 2 निवेदक कृष्णमाया डङ्गोल विरुद्ध ज्ञानबहादुर प्रजापति समेत मुद्दा उत्प्रेषण नेपाल कानून पत्रिका 2075 अङ्क 12 पृष्ठ 2265 निर्णय नम्बर 10156 संयुक्त इजलास 2 न्यायाधीश बेन्च 3 अधिवक्ता महेश्वर श्रेष्ठ विरुद्ध सर्वोच्च अदालत मुद्दा बन्दबन्दीको अवधिमा हदमा तारिख लगायतका विषयमा परेको अडबडको निकासा पाऊ नेपाल कानून पत्रिका 2077 अङ्क 2 पृष्ठ 195 निर्णय नम्बर 10429 बृहत्पूर्ण इजलास 19 न्यायाधीश बेन्च भाग 4 नेपाल कानून व्यवसायी परिषद कानून व्यवसायीको आचार संहिता मिसिल अध्ययन र अभ्यास मिसिल अध्ययन र अभ्यास सम्बन्धी नजिरहरू 1 पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मी सरा सुनवार राई विरुद्ध ओम बहादुर सुनवार मुद्दा अंश चलन नेपाल कानून पत्रिका 2076 अङ्क 5 पृष्ठ 895 निर्णय नम्बर 10256 पूर्ण इजलास 3 न्यायाधीश बेन्च 2 पुनरावेदक प्रतिवादी भीमबहादुर नेपाली विरुद्ध विपक्षीवादी
परिवर्तित नाम जमुना कुमारी को जारी लिए नेपाल सरकार, मुद्दा हारनातामा जबरदस्ती करड़ी, नेपाल कानून पत्रिका 2076 अंक 2 पृष्ठ 312 निर्णय नंबर 10198 संयुक्त इजलास 2 न्यायाधीश बेन्च 3 पुनरावेदक प्रतिवादी धर्मप्रसाद घिमिरेको जारी लिए नेपाल सरकार विरुद्ध विपक्षीवादी विष्णु याख्या राई भन्ने विष्णु कुमार याख्या राई समेत, मुद्दा कर्तव्य ज्यान नेपाल कानून पत्रिका 2076 अंक 4 पृष्ठ 799 निर्णय नंबर 10246 संयुक्त इजलास 2 न्यायाधीश बेन्च 4 रिट निवेदक रोशनी पौडेल समेत विरुद्ध विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको सचिवालय समेत, मुद्दा उत्प्रेषण परमादेश नेपाल कानून पत्रिका 2077 अंक 6 पृष्ठ 1232 निर्णय नम्बर 10526 संयुक्त इजलास 2 न्यायाधीश बेन्च। सम्पूर्ण नजिरहरूको पूर्ण पाठ आउने श्रृङ्खलाबद्ध भिडियो मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ। च्यानल लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। अर्को भिडियोको साथ उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिले बिदा माग्छु। नमस्कार, जय नेपाल।